कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज अनंत चतुर्दशी है, अनंत महापुरुषों के दर्शन है। अनंत परमात्मा का नाम है। वो अनादि भी है और अनंत भी। अनंत नाम से भगवान शेषनाग को अभिस्मरण किया जाता है और अनंत नाम से भगवान नारायण का अभिस्मरण किया जाता है। दोनों में अभेद है। भगवान का एक नाम अनंत शयन है, अनंत के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। हमारे महापुरुषों ने जीव को सदैव ढाढ़स बंधाया। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, निश्चित रहो, व्यथित मत। अब राज्य के सुख का उपभोग किए हुए पांडव जंगल में भ्रमण कर रहे थे। जंगल की कठिनाइयां अनुभूत कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। जिसने गर्भवास का भी कष्ट नहीं सहन करना पड़ा, ऐसी यज्ञाग्नि से उत्पन्न भगवती द्रौपदी पांचों पति की सेवा करते हुए भी किस प्रकार समाहित रहती है, ये हम लोगों के सीखने लायक बात। कभी कभी चित्त की स्थिति डावाडोल तो होती ही है और इसीलिए सदा सत्संग चाहिए, निरंतर सत्संग। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रवणित, नित्य माने हर दिन नहीं, नित्य माने सदैव, हर काल में, हर क्रिया में सत्संग होना चाहिए। सत्संग के द्वारा जो विवेक प्राप्त हुआ है उस विवेक का आचरण। जब कभी कुछ शिथिलता आती है तो महापुरुष कृपा करते हैं, हमारे कन्हैया पहुंच गए। पांडव संभवतः किसी दिन किसी घटना से दुखी होंगे, कन्हैया तो उनके अंग संग ही रहते हैं, तन से न हो तो मन से तो रहते ही। तो उनको दुखी हो देख करके कन्हैया ने कहा, देखो जितने भी कष्ट आते हैं ना,
ये सब के सब कष्ट अपने किए हुए पाप ही हैं। हमारे दुरित ही प्रायश्चित के निमित्त कष्ट के रूप में आते हैं, जिससे कि दुरित के उपभोग कर लेने से उनका प्रायश्चित हो जाता है। अब कितने दिन में प्रायश्चित होगा एक अलग बात। तो ये मान करके जब भी विपरीत परिस्थिति हो प्रसन्न होना चाहिए कि चलो हमारा कर्जा निपट रहा है हमारे पास। तो विपरीत परिस्थितियों में पांडवों को ढाढ़स बंधाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुमंत मुनि की कन्या शीला, जैसा उसका नाम था वैसा उसका गुण, उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि जी के साथ हो गया। कौंडिन्य मुनि जी के साथ बड़ी शीलवती थी, ऐसा लिखा है सद्गुण कहीं से मिले उनको ले लो और दुर्गुण किसी भी रास्ते से छूट रहे हैं तो छोड़ने की कोशिश करो। एक स्थल पे कहीं आज ही शुक्ल चतुर्दशी का दिन था, वहाँ सब लोग दिखे शुक्ल चतुर्दशी का पूजन प्रायः भाद्र शुक्ल चतुर्दशी पूजन प्रायः नदी तट पे उन्हें एकांत में गोबर से दीप करके कुछ मधुर बना करके किया जाता है। भगवान शेषशाही का पूजन होता है और आपा 14 गांठों वाला एक धागा बनाया जाता है। कह दो कई लोग किसी और चीज़ों के बनाते जिसकी जैसी संपन्नता हो, उसमें 14 ग्रंथियां होती हैं। वो 14 ग्रंथियां किस लिए होती हैं संप्रदाय में अलग अलग है, हम उनको यही मान ले 14 ग्रंथियां होती हैं और उनका पूजन ओम अनंताय नमः इस मंत्र के द्वारा किया जाता है। पूजन करने के अनंतर को इत्यादि के शोष हो जाता है, फिर उसको पुरुष लोग दाहिने हाथ में धारण करते हैं और माताएं पाए हाथ में धारण करती। आशा ये की जाती है कि ये संपूर्ण वर्ष तक धारण रहेगा। कुछ लोग कुछ दिन तक रखते हैं, कुछ एक ही दिन तक रखते हैं। आजकल तो कोई नाम भी नहीं जानता होगा, लेकिन हम लोगों ने इनको धारण किया है और हमारे बुजुर्ग लोग प्रायः वर्ष भर तक इसको धारण करते थे। ये अनंत की सन्निधि का अनुभव कराता है, दुख क्लेश का नाश करता है, दुख क्लेश का नाश। तो इसकी पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समुद्धर वासुदेव, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हे नारायण, हम इस अनंत संसार के महासमुद्र में मग्न माने डूब रहे हैं। माम समुद्धर, मेरा सम्यक प्रकारेण उद्धार करो हे वासुदेव। अनंत रूपे विनियोजित आत्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। अरे तुम लोग इतने हो, मैं कहाँ महाराज, आप अनंत रूप हो, अनंत रूपाय, अनंत रूप से आप सबके साथ आत्म रूप से विद्यमान हो। आप कृपा करके इस संसार सागर से हमारा उद्धार। अब ये संसार सामुद दुख का संसार हो सकता है, अज्ञान का समुद्र हो सकता है, कोई भी बात हो, अभक्ति का
भक्ति की भावना जागृत नहीं हो रही, सबसे बड़ी विपत्ति तो भक्त के लिए वही होती है। हे वासुदेव, सर्वव्यापक है वासुदेव, श्री कृष्ण तो हमारे हैं ही है, लेकिन वासुदेव माने जो सर्वव्यापक परमात्मा है, ऐसे अनंत परमात्मा की पूजा की जाती, तो वो अनंत को पूजा करके दाहिने हाथ में धारण किया जाता है और वो घर में सुख समृद्धि प्रदान करता है। शीला ने ये सद्गुण सीख करके अनंत धारण किया, उसके घर में उसके शील स्वभाव के कारण को ऐश्वर्य हो गया। अदृष्ट कहो, प्रारब्ध कहो, स्वभाव कहो, कौंडिन्य मुनि जी को एक दिन संदेह हो गया कि इस भगवती ने बाएं हाथ में धागा क्यों बांध रखा है। द्रौपदी ने जो विधि सिखाई है उसको विधि करे तो पति को वश में करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। द्रौपदी ने जो विधि बधाई है कृष्ण पत्नियों को, वो कर लो, सीख लो, तो कभी तुमको कुछ छूमंतर करने ही नहीं पड़ेगा, पति पीछे पीछे। कुछ लोग गंडा तबीज भी करते, खूब बेखूब बनाई जाती है, बनाते भी हैं, अच्छा है, कई बार ठीक होते होंगे शायद, हमें मालूम नहीं, हम क्यों उसके पर आक्षेप करें। लेकिन किसी अन्य साधन से पति को वश में करना अपनी असामर्थ्य को द्योतित करता है कि हमें सामर्थ्य नहीं है पति को वश में करने की, सेवा करने की। इसलिए तो उसको संदेह हुआ है, तुमने धागा क्यों बांध रखा है। उसने कहा भगवान ये अनंत है, भगवान की समृद्धि, तुमने हमको वश में पकड़ने के लिए, हमको फंसाने के लिए कर रखा है उनको। अब जब धन होता है, मद होता है, क्रोध होता है, ये सब के सब उसके अपने लक्षण हैं। अगर धन भगवान के साथ ना आए तो उल्लू पे सवार होता है, और भगवान के साथ होता है गरुड़ पे सवार होता है, गरुड़ माने विवेक, ज्ञान, वेद। तो उसने क्रोध में आके और शीला के हाथ से वो अनंत निकाल करके और अग्नि में झोंक दिया, ले बड़ा भारी हमारा वो करने के चली है। अनंत का ये तिरस्कार हुआ, परमात्मा का ये तिरस्कार हुआ, और परमात्मा का तिरस्कार करने का फल हुआ उसकी सब संपत्ति इत्यादि नष्ट हो गई, पति मारने लग गया। तब आंखें चेती पत्नी, महाराजा आपने हमारे अनंत का अपमान किया था, उनसे अपराध से क्षमा मांगो। तो वो अनंत कहाँ मिलेंगे, ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ नहीं भटके, अंत में एक वृद्ध भगवान के रूप में वो मिले। और जब उन्होंने कहा कि हमको भाई अनंत के दर्शन करने हैं, फिर आओ तुमको गुफा में दर्शन कराते हैं, गुफा में ले गए, चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने कहा 14 साल तक अनंत व्रत करो तो तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ये कथा है माई डियर, जब मनुष्य अहंकार से रहित हो जाता है तब सदगुरु प्राप्त होते हैं और बुद्धि की गुफा में उस परमात्मा के दर्शन कराते हैं। ये एक दृष्टि है, अनंत भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह करें। आज के दिन महाराष्ट्र में और न जाने कहाँ कहाँ बहुत महान बृहत रूप से भगवान श्री गणेश का विसर्जन भी होता है, बहुत हास उल्लास होता है, उसके लिए भी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं तथा आप सबके मंगल कामनाएं करते हैं। जय श्री कृष्ण।